दोस्तों, अगर आप भी लखनऊ की जीत से खुश हैं और पूरन को एक शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, पंजाब की शर्मनाक हार के बाद टूट गया प्रीति जिंटा का दिल। हर आंखों में आंसू लिए उन्होंने केएल राहुल से लेकर कप्तान शिखर धवन, निकोलस पूरन पर दे दिए ऐसे बयान, सुनकर आप भी भावुक हो जाएंगे। तो आखिर क्यों अपनी करारी हार बर्दाश्त तो नहीं कर पाई प्रीति जिंटा, और ऐसा क्या कह दिया है उन्होंने जिनकी बातें सुनकर हर कोई हैरान रह गया। उनके बयान का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन में कौन था लखनऊ की जीत का असल हीरो? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अपने कप्तान शिखर धवन की वापसी के साथ पंजाब की टीम का भरोसा भी सातवें आसमान पर था। अपने घर पर उनके सामने लखनऊ की चुनौती थी, जहां पंजाब इतिहास रचना चाहती थी, लेकिन टॉस जीतने के अलावा पंजाब के पक्ष में कुछ भी नहीं रहा और ऐसा तबाही का मंजर आया जिसने पंजाब के करोड़ों फैंस के साथ उनके खेमे को ऐसे करारे जख्म दिए हैं जिन्हें भर पाना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। जी हां, आपको बता दें, शिखर धवन का लखनऊ को बल्लेबाजी करने देने का फैसला बहुत भारी पड़ा और लखनऊ के बल्लेबाजों ने कोहराम मचाते हुए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी। जहां मायर्स ने मैदान में उतरते ही ताबड़तोड़ चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी थी, तो उनके आउट होने के बाद भी ये सिलसिला थमा नहीं और आयुष बदोनी के साथ मिल मार्कस स्टोइनिस और निकोलस पूरन की आंधी में पंजाब का गेंदबाजी क्रम सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते इन सभी ने मिलकर अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से अपनी टीम का स्कोर 257 रनों तक पहुंचा दिया था, जिसे देखकर ही पूरा क्रिकेट दांतों तले उंगलियां दबा बैठा था। तो वहीं दोस्तों, इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए पंजाब ने भरसक प्रयास किया। हालांकि उनके बड़े बड़े नाम शिखर धवन, सैम करन और लियाम लिविंगस्टन तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन युवा खिलाड़ी अथर्व ने लखनऊ की गेंदबाजों को मुंह तोड़ जवाब दिया। सिकंदर रजा ने भी अपनी टीम की जीत दिलाने की कोशिश की, लेकिन चाहकर भी पंजाब लक्ष्य से कोसों दूर रह गई और उनको IPL 2023 की सबसे शर्मनाक हार नसीब हुई है। और दोस्तों, अपनी ये हार प्रीति जिंटा बर्दाश्त नहीं कर पाई। मुकाबला खत्म होने के बाद उन्होंने राहुल की बात करते हुए कह दिया कि राहुल शानदार कप्तान है, हो सकता है उनके बल्ले से रन नहीं निकले हों, लेकिन जिस तरीके की एनर्जी वो टीम में भरते हैं वो काबिले तारीफ है। लखनऊ की इसके लिए जमकर तारीफ होनी चाहिए। तो वहीं अपनी टीम के निराशाजनक प्रदर्शन से खफा प्रीति जिंटा ने शिखर धवन को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने बताया कि इतना बड़ा लक्ष्य था, यदि चेस नहीं हो सकता था तो कम से कम लड़ाई करने की तो कोशिश करनी चाहिए थी। कप्तान होने के नाते धवन की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। मैं उनसे काफी निराश हूँ, मैंने अपनी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की थी, लेकिन उन सभी ने मेरा दिल तोड़ा है और अपनी ये हार भुला पाना हमारे लिए नामुमकिन जैसा हो गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रीति जिंटा तो अपनी इस हार के बाद काफी गुस्से में नजर आ रही थी। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल लखनऊ को IPL 2023 का चैंपियन बनाएंगे या फिर नहीं? हमें अपने जवाब कॉमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को।